पूरे भारत में अगर हम अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान, खासतौर पर मॉनसून की वर्षा का पूर्वानुमान देखें तो सबसे ज्यादा बारिश वेस्टर्न घाट पर होने की संभावना दिखाई दे रही है। वेस्टर्न घाट पर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑफशोर ट्रफ और सर्कुलेशन है उसका इंपैक्ट यहीं पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जाहिर है इसके चलते कोंकण गोवा में, इंक्लूडिंग मुंबई और रत्नागिरी, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, साथ ही साथ गोवा, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो इंटीरियर पार्ट से है, इसमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, यानी नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, हालांकि वर्धा में थोड़ा संभावना कम है, लेकिन कई जगहों पर बारिश होगी तो रूल आउट नहीं कर सकते। यहां पर भी इसके साथ साथ बुलढाणा और बीड, जालना, परभणी समेत जो मराठवाड़ा का रीजन है, इन भागों में भी नाशिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में भी कई स्थानों पर वर्षा अच्छी हो सकती है। इंटेंसिटी यहां पर बारिश की ठीक ठाक रहने की संभावना है। इसके अलावा बारिश के आसार सेंट्रल इंडिया में अगर हम देखें तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में नजर आ रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और ओडिशा के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और ये ओडिशा का जो रीजन है, ओडिशा का जो लोकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं उत्तर से लेकर मध्य, दक्षिण और इंटीरियर हो या फिर कोस्टल पार्ट हो, सभी जगहों पर मॉइस्चर दिख रहा है और यहाँ पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में बादलों का जो प्रभाव है वो कम होगा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर की तरफ से, जबकि उत्तर से आने वाली हवाएं यहां पर छत्तीसगढ़ पर भी थोड़ा बहुत अपना असर दिखाने लगेंगी, जिसकी वजह से उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात के दक्षिणी तटीय और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और सौराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र में आज कुछ इलाकों में ठीक ठाक वर्षा हो सकती है, जबकि दादरा नगर हवेली, दमन दीव का जो रीजन है और सोमनाथ, रावल से लेकर पोरबंदर और द्वारका तक का हिस्सा है, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावनाएं हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा उदयपुर से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है गुजरात का, और कच्छ का जो हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बादल छिटपुट दिखेंगे लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। सिमिलरली अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ऊपर मॉनसून आया और एक झटके से थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद फिर से ड्राई हो गया। ऐसा लग रहा है कि मॉनसून आते ही जितने भी बादल आ रहे थे उन सभी बादलों को एक साथ ही बारिश देने को बोल गया और उसके बाद शांत बैठ गया, इस तरह से लग सकता है एमपी के मित्रों को, एमपी के किसान भाइयों को। लेकिन आपको बता दें कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही एमपी में उम्मीद यह है कि मॉनसून यहां पर फिर से रिवाइव होगा और बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है जून के आखिर में और जुलाई के शुरुआती सप्ताह में। अगर हम ECMWF मॉडल या जो जितने भी मॉडल हैं उनका इंडिकेशन देखें तो इस बीच दक्षिणी मध्य प्रदेश में, ये जो सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तरी भागों में उमरिया, रीवा, पटना, पन्ना, सागर, सतना और टीकमगढ़, खजुराहो, छतरपुर और भोपाल से लेकर विदिशा समेत गुना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। तो ये तो रही बात सेंट्रल इंडिया की। अगर नॉर्थ साउथ इंडिया की तरफ चलें, जहां पर जो दूसरा रेनियस पॉकेट होगा अगले 24 घंटों के लिए, तो यहां पर कर्नाटक के तटीय भागों और केरल के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। गोवा में भी बारिश होगी ठीक ठाक, तो साथ में कर्नाटक का तटीय इलाका और केरल का अधिकांश इलाका प्रभावित होगा, ये देख सकते हैं आप। साथ ही साथ हसन, मैंगलुरु और बेंगलुरु, मैसूर, ये जो इंटीरियर पार्ट्स हैं साउथ इंटीरियर कर्नाटक के, इन भागों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, NIKTK में भी बारिश ठीक ठाक हो सकती है। बाकी जगहों पर, यानी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा संभावित है। दक्षिणी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा दक्षिणी तटीय भागों में, यानी कि विशाखापत्तनम के नीचे नेल्लोर के बीच में मेनली ड्राई वेदर रहेगा और इसी तरह से दक्षिणी तेलंगाना में हैदराबाद से लेकर नीचे के हिस्सों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। बाकी तमिलनाडु में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है जरूर, लेकिन लाइट से ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड नहीं है। पूर्वी भारत में गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला लगातार बना रहेगा, चाहे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो या फिर पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ आइसोलेटेड हैवी, यानी एक दो स्पेल यहां पर हैवी रेन का हमें देखने को मिल सकता है। ये वाला जो पोर्शन है इन सभी क्षेत्रों में, तो हैवी रेन से यहां पर लोगों का जनजीवन प्रभावित होता रहेगा। साथ ही साथ उत्तरी बिहार में भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। भागलपुर, दरभंगा, पटना, गया और वैशाली
पाली समेत सिवान गोपालगंज इन जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, ज्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। बात हम उत्तर प्रदेश की करें, अब उस रीजन की तरफ हम रुख कर रहे हैं जहां पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा 24 जून को। उत्तर प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी हिस्सा सेंट्रल पार्ट्स ऑलरेडी ड्राई है, यहां पर बारिश बहुत कम हुई है। तो लखनऊ, कानपुर, बुंदेलखंड रीजन समेत वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, साथ ही साथ आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, हाथरस, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान हो या फिर पश्चिमी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। वजह बार बार मैं कह रहा हूँ, पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं इस तरह से, और इन पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण ही यहाँ पर मौसम शुष्क हो रहा है। ये ड्राई होती हैं हवाएं, WD का असर खत्म हो गया है, तो ये हवाएं जब इस तरह से असर दिखा रही हैं तो मानसून भी आगे बढ़ने में संकोच कर रहा है, या उसकी हिम्मत कह सकते हैं कि नहीं है। यहाँ पर मानसून आकर ठिठका हुआ है इस तरह से, और इसके आगे बढ़ने में इसको थोड़ा सा और वक्त लगेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर के साथ मानसून का इंतजार रहेगा। उत्तराखंड आइसोलेटेड बारिश हो सकती है, हिमाचल, कश्मीर और लद्दाख समेत उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, MP, ये जो रीजन है, राजस्थान और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में जल्द ही अच्छी बारिश का स्पेल आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मानसून निराश नहीं करेगा, जुलाई की शुरुआत काफी अच्छी हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिएगा, हम आपको मौसम का अपडेट लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।